हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए कुछ प्रॉब्लम्स और जो ये प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं इस एग्जाम के अंदर, साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस पूछे गए उसके सराउंडिंग की सब चीज़ें डिस्कस करूँगा जिससे जो आप एग्जाम लिखेंगे उसमें आपको बेनिफिट हो। तो उसी प्रोस्पेक्ट्स में ये वीडियो मैंने तैयार की है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इसी आशा के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ dl अपॉन dt माइनस l अपॉन tc बराबर c2 माइनस c1। ये c1 और c2 स्पेसिफिक होती हैं इनिशियली और फाइनल स्टेज में जब अवस्था परिवर्तन होता है, कोई लिक्विड 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वेपर में कन्वर्ट होता है, तो एक जिस समय पे वो लिक्विड होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पेसिफिक c1 होती है, और जब अवस्था परिवर्तित हो जाती है तो स्पेसिफिक c2 होती है, और l लेटेंट हीट है, वो की टेम्परेचर है। तो चेंज बताते हैं कि लेटेंट हीट टेम्परेचर पर कैसे चेंज होती है, तो इसको हम कहते हैं क्लॉसियस इक्वेशंस। तो इस पर क्वेश्चंस था, ये सीधा फॉर्मूला ही पूछा था। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशंस होती है डी पी अपॉन डी टी इजकल टू जे एल अपॉन टी वी टू माइनस वी वन। जे कई बार नहीं लिया जाता है इसमें, जे जो जूल कन्वर्जन फैक्टर होता है डायमेंशन के उसके लिए लिया जाता है। एल लेटेंट हीट की टेम्परेचर, वी वन इनिशियल वॉल्यूम और वी टू बाद में वॉल्यूम है, और डी पी जो है चेंज इन प्रेशर है और डी टी जो है चेंज इन टेम्परेचर है। तो इसमें प्रेशर का चेंज देखते हैं कि प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं वो किस तरीका से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को चेंज करता है। ये याद रखें कि जो चीज़ें एक्सपेंड करती हैं वो बॉयल होने के ऊपर सभी चीज़ें एक्सपेंड करती हैं, लेकिन मेल्ट होने पर जो आइस है वो बिहेवियर उसका एनाबोलस होता है, वो जिस समय पर आइस वाटर से आइस बनती है तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। तो ये कंसेप्ट पूछे जाते हैं कंपटीशन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर टू पे पीसी पूछा था, ए अपॉन 27 बी स्क्वायर होता है क्रिटिकल प्रेशर, वीसी जो होता है क्रिटिकल वॉल्यूम वो 3 बी होता है, टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू 8 अपॉन 27 बी आर होती है, टेम्परेचर ऑफ इंपर्जन 2 ए अपॉन आर बी होता है, और बॉयल टेम्परेचर ए अपॉन आर बी होता है। तो पूछा ये गया था, मैंने आगे की चीज़ें भी आपके लिए रिविजन के लिए लिख दी हैं। याद रखें कि आर टी सी अपॉन पी सी वी सी की जो वैल्यू 8 अपॉन 3 होती है, याद रखें कि पी आर प्लस 3 अपॉन वी आर स्क्वायर ब्रैकेट में 3 वी आर माइनस 1 बराबर 8 टी आर होता है। अगर दो गैस ऐसी हैं जिनका पी आर वी आर सेम है तो उनका टी आर भी सेम होगा, इसे हम लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट कहते हैं। साथ साथ ये याद रखें कि जूल थॉमसन इफेक्ट जो है ये बताता है कि गैस के जो मॉलिक्यूलों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और गैस जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ले जाई जाती है पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो गैस का टेम्परेचर फॉल हो जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम जो हीटिंग इफेक्ट दिखाती हैं क्योंकि उनका इन्वर्जन टेम्परेचर नेगेटिव में होता है, लेकिन अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर वो कैरी ऑन की जाती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर में तो वो भी कूलिंग शो करती हैं, और वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ना गैस कूलिंग दिखाती है ना ही हीटिंग दिखाती है वो इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाता है। वहाँ एक्सटर्नल प्लस इंटरनल वर्क का जो समय वो जीरो होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें याद रखें। एडियाबेटिक प्रोसेस में याद रखें कि पी वी गामा जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है, गामा जो सी पी अपॉन सी वी की रेशो होती है, और सी पी अपॉन सी वी जो 1+2 अपॉन एफ होता है, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। मोनो एटोमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3, डाई एटोमिक में 5 और ट्राई एटोमिक गैस में 6 होती है। हीलियम नियॉन आर्गन ये सारी जो गैसें वो मोनो एटोमिक होती हैं, N2O2 ये जो गैस हैं, S2 ये डाई एटोमिक होती हैं, और CO2SO2 ये हमारी ट्राई एटोमिक होती हैं। तो डाई एटोमिक में केवल ट्रांसलेटरी मोशन होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, डायट जो मोनोएटोमिक होती है उसके अंदर डायटोमिक में जो 5 होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेटरी और 2 रोटेटरी होती है, और जो हमारी ट्राइटोमिक गैस होती हैं उसमें 3 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेटरी मोशन होती हैं, लेकिन अगर हम टेम्परेचर लगातार बढ़ाते जाते हैं तो वाइब्रेशन भी शुरू हो जाते हैं, तब डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाती है। तो ये सब चीज़ें याद रखें। एडियाबेटिक प्रोसेस में पी वी गामा कॉन्स्टेंट रहता है, टी वी गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट रहता है, पी की जगह पर जब हम आर टी अपॉन वी यूज करते हैं और पी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन पी की पावर गामा कॉन्स्टेंट होता है। क्वेश्चंस में पूछा था कौन सा कॉन्स्टेंट जो करेक्शन है वो ठीक नहीं है, तो पी वी गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट नहीं रहता, ये नॉट करेक्ट था, ये सब करेक्ट थे। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्टियन का फॉर्मूला याद रखें, डब्ल्यू बराबर म्यू सी वी और ब्रैकेट में टी आई माइनस टी एफ होता है, म्यू नंबर ऑफ मोल होते हैं, सी वी स्पेसिफिकेड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, टी आई जो है इनिशियल टेम्परेचर, टी एफ फाइनल टेम्परेचर होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। आइसोथर्मल में पी वी कॉन्स्टेंट रहता है, आइसोथर्मल जो प्रोसेस होती है उसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, पी वी कॉन्स्टेंट रहता है, और जो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक और स्लोप ऑफ आइसोथर्मल है उसमें उसकी रेशो गामा होती है, और स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस स्टीपर होता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में जो वर्गियन का फॉर्मूला होता है W बराबर 2.306 RT log base 10 और V2 अपॉन V1 होता है,
और वी टू अपॉन वी वन की जगह पे हम पी वन अपॉन पी टू भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो क्वेश्चन के इर्द गिर्द की चीज़ें हैं। साथ साथ जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, मोस्ट और एवरेज स्पीड है, और आर रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, उसकी वैल्यू में याद रखें। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होती है उसकी वैल्यू होती है रूट टू के टी अपॉन एम, और जो हमारी एवरेज होती है उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट एट के टी अपॉन पाई एम, और रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड होती है उसकी वैल्यू उसकी होती है स्पीड रूट थ्री के टी अपॉन एम। तो इनकी रेशो हम जब निकालेंगे तो रूट टू रूट एट अपॉन पाई रूट थ्री की रेशो में ये होंगे। साथ साथ ये याद रखें कि जो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी होती है उसकी वैल्यू हाफ के टी होती है, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है। तो मैं उसी कह रहा हूँ कि चीज़ें बता रहा हूँ जो आ चुके हैं क्वेश्चंस। लैम्डा एम टी बराबर कांस्टेंट वीन्स लॉ कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर वेवलेंथ लैम्डा का पे पीक हमें शो होता है, तो अगर टेम्परेचर की वैल्यू को हम अगर 40 कर देते हैं तो लैम्डा टू लैम्डा बाई 4 होगा। तो लैम्डा 1 टी 1 बराबर लैम्डा टी 2 वीन्स लॉ यूज करें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ साथ याद रखें कि यू लैम्डा टी लैम्डा की वैल्यू लैम्डा और लैम्डा प्लस टी लैम्डा के बीच में जो एनर्जी ब्लैक बॉडी के अंदर होती है उसकी वैल्यू होती है 8 पाई एस सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा अपॉन ई की पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। एवरेज एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का होता है एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। तो वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ याद रखें कि एनर्जी जो रेटेड जो होती है ब्लैक बॉडी के द्वारा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो टी की पावर 4 पर निर्भर करती है। तो ई अपॉन ए टी प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, ये हमारा स्टीफन लॉ कहलाता है, एनर्जी रेटेड बाई ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। साथ साथ याद रखें ये क्वेश्चन था टी यू बराबर टी टी एस माइनस पी वी, डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, टी टेम्परेचर, एस एंट्रोपी में बदलाव, डी एस पी प्रेशर, और डी वी वॉल्यूम में चेंज। एफ जो होता है हैवोक फंक्शन उसकी वैल्यू यू माइनस टी एस होती है, यू इंटरनल एनर्जी, टी टेम्परेचर, एस जो है वो एंट्रोपी को नोट करता है। जो जी है गिब्स एनर्जी उसकी वैल्यू एच माइनस टी एस होती है, और एच यहाँ पे एंथैल्पी, टी टेम्परेचर, एस एंट्रोपी होता है, एच बराबर यू प्लस पी भी होता है, एच जो एंथैल्पी कहलाती है। जूल थॉमसन इफेक्ट जो है वो आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है, ये भी याद रखें। साथ साथ विडमैन फ्रेंज लॉ जो है वो ये कहता है कि जो अच्छे हीट के कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी अच्छे होते हैं जैसे मेटल्स। तो के जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और सिग्मा कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये दोनों प्रोपोर्शनल चलते हैं, और के अपॉन सिग्मा टी की जो वैल्यू है वो पाई स्क्वायर अपॉन 3 के अपॉन ई स्क्वायर होती है लॉरेंज नंबर। तो के अपॉन सिग्मा टी कॉन्स्टेंट जो है ये विडमैन फ्रेंज लॉ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में A1 और A2 दे रखा था, रेडियस की जो रेशो होती है न्यूक्लियस के अंदर वो एटॉमिक मास नंबर पर निर्भर करती है, और न्यूक्लियन जो नंबर होते हैं उसकी पावर 1/3 पर रेडियस निर्भर करती है। तो R जो होता है वो R नॉट A की पावर 1/3 होता है, क्योंकि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू A लें, और न्यूक्लियस क्योंकि स्पेरिकल शेप का होता है तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 4/3 πr³। तो आर क्यू प्रोपोर्शनल टू ए और आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। तो आर वन अपॉन आर टू बराबर ए वन अपॉन ए टू की पावर 1/3 होगा। ए वन दे रखा था 216, ए टू दे रखा था 64। तो इन दोनों की रेशो को डिवाइड करके 1/3 ले लें, 216 की पावर 1/3 हमारा 6 आएगा, और 64 की पावर 1/3 4, तो 6/4 की रेशो जो 3/2 होगी। साथ साथ याद रखें कि न्यूक्लियस के अंदर जो स्टेबिलिटी होती है वो न्यूक्लियर फोर्स के कारण होती है, और न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं पाई मैसोल एक्सचेंज के कारण पैदा होते हैं। तो ये भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर दे रखा था, और वीपी और वीजी का प्रोडक्ट पूछा था। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें के रेस्पेक्ट, तो 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी के इधर से आएगा, और 2 सी स्क्वायर के इधर से मिलेगा हमें के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन। ये हमारा ओमेगा बाई के इधर ले जाएं, ओमेगा बाई के वीपी हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी के जो है वीजी हो जाएगा, तो वीपी वीजी का प्रोडक्ट जो सी स्क्वायर होगा। तो इस तरीका से करें। साथ साथ ये भी याद रखें कि वीपी का जो फॉर्मूला होता है वो ओमेगा बाई के या ई अपॉन पी होता है, और वीजी का जो एक्सप्रेशन है वो डी ओमेगा बाई टी के या डी अपॉन डी पी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है सभी। साथ साथ ये भी याद रखें कि वीपी और वीजी में जो एक रिलेशंस होता है वो होता है वीजी बराबर वीपी माइनस लैम्डा डी वीपी अपॉन डी लैम्डा, ये भी याद रखें। तो ये 3-4 फॉर्मूले इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में साई एक्स दे रखा था 3/5 साई वन प्लस 4/5 साई टू। इसमें इस स्टेट की करस्पॉन्डिंग एनर्जी माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी पार्टिकल की, इसके करस्पॉन्डिंग माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, एवरेज एनर्जी पूछी थी। तो इसमें हम देख लें कि जो ये हमारा साई एक्स बराबर सी वन साई वन प्लस सी टू फॉर्म है,
और पाए जाने की प्रायिकता इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर पर निर्भर करती है। तो 9/25 प्रायिकता इस स्टेट में होगी और 16/25 इस स्टेट में होगी। तो n बराबर 1 में पाए जाने की प्रायिकता 9/25 और n बराबर 2 में पाए जाने की प्रायिकता 16/25 होगी। जो ये कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर कर देते हैं। इस स्टेट में एनर्जी -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, इस स्टेट में -2 एवरेज एनर्जी पूछी थी। तो एक्सपेक्टेशन ही एवरेज एनर्जी होती है P1E1 + P2E2। P1 हो जाएगा 9/25, यहाँ से ले लें। E1 की वैल्यू -1 दे रखी थी, प्लस P2 हमारा हो जाएगा इसका स्क्वायर 16/25 और E2 दे रखा था -2। तो इसको सॉल्व कर लें, ये -41/25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर हो जाएगा। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो पाए जाने की प्रायिकता है, अगर साई हमारा C1 Psi1 + C2 Psi2 इस फॉर्म में दे रखा है, तो याद रखें कि हमारा मॉग C1 स्क्वायर प्रायिकता इस स्टेट में होती है पाए जाने की, और मॉग C2 स्क्वायर जो है वो इस स्टेट में होती है। अगर मॉग C1 स्क्वायर प्लस मॉग C2 स्क्वायर बने तो नेट पाए जाने की प्रायिकता 1 होगी, तब हम कहते हैं वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हैं। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हैं नहीं है तो फिर प्रायिकता के लिए हम यूज करते हैं P1 = mog C1² / mog C2² और P2 स्टेट n = 2 स्टेट में प्रायिकता mog C2² / mog C2² होगी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको तैयार रखें। क्वेश्चन नंबर 11 में नेट मास ऑफ फोटोन जो होता है वो 0 होता है। याद रखें फोटोन की 5-7 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हैं। फोटोन की जो रेस्ट मास होता है 0 होता है, फोटोन वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलता है, फोटोन की स्पिन 1 होती है, फोटोन दोनों तरीका की पैटी रख सकता है, ऑड और इवन दोनों, और फोटोन जो है वो क्वांटा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस का। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। फोटोन का जो मूविंग या डायनेमिकल मास होता है वो E = mc² / E = hu के इक्वल करने से मिलता है, m = hu/c². तो याद रखें, और ये भी याद रखें कि जो जिनके रेस्ट मास 0 होते हैं वो पार्टिकल सदा वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलते हैं। तो ये 7-8 चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। केमिकल पोटेंशियल जो फोटोन गैस का वो 0 होता है। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है, मूविंग मास जो hu/c² होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 में लगातार ये क्वेश्चन आता रहता है कम्युनिकेशंस की दुनिया में। रिलेटिविटी में पूछता है कि एक पार्टिकल है उसकी रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी उसके रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल है, वेलोसिटी बताइए। तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है m - m0, और इसको ब्रैकेट में करके c² से मल्टीप्लाई कर दें। m = m0/√1 - v²/c² होता है। m0 रेस्ट मास, v वेलोसिटी होती है, और m डायनेमिकल या मूविंग मास होता है। तो यहाँ m - m0 × c² रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल कर दें, तो m की वैल्यू यहाँ से 2m0 आएगी, क्योंकि c² से c² कैंसिल आउट होगा, और m = 2m0 में m को उसके बाद रखते हैं m0√1 - v²/c², तो v की वैल्यू √3/2 × c आ जाएगी। लगातार क्वेश्चन आता है, अगर इसको कहता है कि रेस्ट मास एनर्जी ट्वाइस है, जो काइनेटिक एनर्जी वो रेस्ट मास की एनर्जी के दूनी है, ट्वाइस है, तो यहाँ ट्वाइस आ जाएगा। फिर m - m0 × c² को 2m0c² करके सॉल्व कर दें, तो m की वैल्यू यहाँ से फिर हमारी 3m0 आ जाएगी, और यहाँ से v की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे इसे, m की वैल्यू क्या है, m0√1 - v²/c², तो v की वैल्यू 2√2c/3 हो जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन इस पर आते रहते हैं, तो इस पैटर्न को करके रखें। क्वेश्चन नंबर 13 में 10 ग्राम ऑफ आइस को जिसकी रेटेंट हीट 80 कैलोरी होती है पर ग्राम, उसकी एक चेंज इन एंट्रोपी पूछी थी 0°C पे। तो गेलेस जो होगा अवस्था परिवर्तन में, जो 1 ग्राम के लिए अवस्था परिवर्तन के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है वो एल होती है, तो एम के लिए एम एल हो जाएगी। तो हीट जो है वो क्यू, गेलेस का फॉर्मूला Q/T यूज करें, ml/T हो जाएगा। टी जो है वो 0°C को सदा केल्विन में बदल लें। याद रखें कि जब भी क्वेश्चन आता है तो उसको केल्विन में हमें कन्वर्ट होना होता है टेम्परेचर को, तो सेंटीग्रेड के लिए हमें 273 उसको ऐड करना होता है केल्विन बनाने के लिए, तो 273 यहाँ आ जाएगा, और एम की वैल्यू 10 ग्राम दे रखी थी, एल 80 दे रखा था, और यहाँ से कैलोरी पर केल्विन इसकी यूनिट आ जाएगी, क्योंकि हीट की यहाँ से कैलोरी आएगी और टेम्परेचर के लिए केल्विन, कैलोरी पर केल्विन, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2.93 कैलोरी पर केल्विन इसका आंसर मार्क हमें करना था। मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस पर क्वेश्चन था, 4 इक्वेशंस दे रखी थी, और मैक्सवेल रिलेशंस हमें ऑलवेज याद रखने चाहिए। मैं एक बार फिर ट्रिक समझा रहा हूँ कि कैसे हम याद रखें। पहले क्या करें, SP SV TP TV कॉम्बिनेशंस लिख लें, ये हमने देखा है SP SV, और एक यहाँ मैंने लिखा है TP और TV। उसके बाद क्या करें, जब ये लिख लें SP SV TP TV, तो याद रखें कि जो यहाँ पर वेरिएशन V है उसको यहाँ पर वेरिएशन में लिख दें, टेम्परेचर का वेरिएशन यहाँ के TP लिख दें, टी के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट में जाएं तो टी के सामने एस होना चाहिए, पी के साथ वी होना चाहिए, तो यहाँ पे पी के साथ वी डेल पी डेल वी,
और डेल्टी जे एस ये इस तरीका से आ जाएगा, और टी और बी में पॉजिटिव साइन आएगा। दो मैक्सवेल इक्वेशंस में पॉजिटिव साइन होता है और दो मैक्सवेल इक्वेशंस में नेगेटिव साइन होता है। तो जो पैटर्न मैं समझा रहा हूँ उसे उसी के साथ ये भी याद कर लें। तो चारों मैक्सवेल इक्वेशंस याद रखें, साथ साथ ये याद रखें कि सी पी माइनस सी वी की वैल्यू आर होती है, मेयर रिलेशंस कहता है। साथ साथ ये याद रखें सी पी अपॉन सी वी की वैल्यू 1+2/f होती है, f जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3, 5, और 6 रहती हैं मोनोएटोमिक, डायएटोमिक और ट्राईएटोमिक गैसेज के लिए। साथ साथ याद रखें कि अगर दो गैस हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स की संख्या N1 N2 है और उनके टोटल जो गामा पूछा जाता है, तो उसमें फॉर्मूला याद रखें कि N1+N2/γ-1 की वैल्यू जो होती है वो N1/γ1-1+N2/γ2-1 होती है। गामा जहाँ Cp/Cv=1+2/f होता है। N1 और N2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, जैसे कहता है एक मोनोएटोमिक गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 1, डायएटोम में उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, उन दोनों को आपस में ऐड कर दिया जाता है, बताइए जो रिजल्टेंट गैस है उसका गामा क्या होगा। तो वहाँ पर फिर N1 को 1 ले लें, N2 को 2 ले लें, 1+2/γ-1, γ1 की मोनोएटोमिक के लिए वैल्यू 1+2/f से ले लें, f को 3 रख दें। डायएटोमिक के लिए जो वैल्यू है γ2 के लिए, उसमें डायएटोमिक के लिए f की जगह 5 ले लें। तो वहाँ पर जब हम γ2 लेंगे तो 1+2/5 होकर 7/5 होगा, फिर सॉल्व कर दें। तो ऐसे क्वेश्चन आता रहता है। याद रखें कि जो जी है गिब्स फ्री एनर्जी, वो आइसोथर्मल और जो हमारी प्रोसेस हैं आइसोबारिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वो कांस्टेंट रहता है। तो जब हमारी अवस्था परिवर्तित होती है, जब कोई आइस जमने के बाद में आइस जमती है और लिक्विड से आइस बनती है, या इसका कन्वर्जन होता है उल्टा, या हमारा 0-100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर वेपर बनता है, उसमें गिब्स एनर्जी कांस्टेंट रहती है। कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्योंकि दोनों जो एग्जांपल्स हैं वो आइसोथर्मल और आइसोबारिक प्रोसेस के एग्जांपल हैं। आइसोकॉलिक में याद रखें कि आइसोकॉलिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, एडियाबेटिक में ना तो हीट दी जाती है सिस्टम से ना हीट ली जाती है। तो ये भी चारों पाँचों चीज़ें ऑलवेज याद रखें। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जे बराबर के आर दे रखा था, आई पूछा था, तो जे करंट डेंसिटी थी, आई जो होता है वो इंटीग्रल जे डॉट डी एस होगा। डी एस की जगह पर 2πrdr ले लें, जे की जगह के आर ले लें, और जीरो से लेकर ए तक जो टोटल रीजन है उसके अंदर आई कैलकुलेट कर लें, 2/3πkA³, इसका आंसर हमें बात करना था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा था डाइपोल में, याद रखें कि मोनोपोल में जो वी है वो 1/r पर निर्भर करता है, मोनोपोल का मतलब सिंगल चार्ज। डाइपोल में +Q और -Q चार्ज हैं, उनसे डिस्टेंस सेंटर से आर डिस्टेंस पर अगर पोटेंशियल पूछता तो 1/r² होता है, और जो क्वाड्रापोल होता है उसमें भी 1/r³ पर निर्भर करता है। ऑक्टापोल में 1/r⁴ पर निर्भर करेगा। तो ऐसे याद कर लें, मोनोपोल में वी 1/r, मोनोपोल सिंगल चार्ज के लिए वी की वैल्यू 1/r² डाइपोल में याद रखें। याद रखें कि वी की वैल्यू 1/r³ होगी क्वाड्रापोल में, और वी प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ होगा ऑक्टापोल में। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन आता तो एक एक पावर नीचे बढ़ाते चले जाएं, जैसे मोनोपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो 1/r² कर दें, अगर डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो 1/r³ कर दें, और अगर क्वाड्रापोल में ई पूछता है तो 1/r⁴ कर दें, ऑक्टापोल में पूछता है तो एक पावर फिर नीचे और बढ़ा दें। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन नंबर उसके बारे में बता रहा था 17 में, वी का जनरल एक्सप्रेशन जो होता है वो 1/4πε₀ पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, पी डाइपोल मोमेंट और थीटा एंगल होता है सेंटर से जो पॉइंट पी का है। प्लेन के अंदर वी जो वेलोसिटी है वो होती है dr/dt r⁻+rd θ/dt θ⁻, dr/dt रेडियल वेलोसिटी कहलाती है, rd θ/dt एजीमुथल वेलोसिटी कहलाती है। तो r और थीटा जब चेंज होते हैं तब ये दोनों वेलोसिटी पिक्चर में आती हैं, अगर r फिक्स रहता है तो ये वैल्यू जीरो हो जाती है, फिर केवल ये वेलोसिटी आती है v=r ω वाला एक्सप्रेशन। तो इसको याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। रेडियल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला याद रखें, d2r/dt²-r dθ/dt², और एजीमुथल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला याद रखें, ए थीटा होता है 1/r d/dt r²dθ/dt। तो ये रेडियल और एजीमुथल प्लेन के अंदर पूछा था। काइनेटिक एनर्जी ½πω² होती है रोटेशनल मोशन के अंदर, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। काइनेटिक एनर्जी जब आई हम लिखेंगे तो आई को 2 काइनेटिक एनर्जी/ω² देखा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है।
और जो हमारा इंटीग्रल ए डॉट एन डी एस की वैल्यू होती है वो इंटीग्रल वी डाइवर्जेंस ए डी वी होती है, ये हमारी कहलाती है गॉस थ्योरम। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में मैंने डिस्कस की हैं जो मुझे उम्मीद है आपको निश्चित तौर से एडवांटेज देंगी कंपटीशन में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर मैं कुछ और वीडियो अपलोड करूँगा इसी प्रोस्पेक्ट्स पर और आगे कुछ और बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझाऊंगा जब तक आप ये सी यू सेट का एग्जाम लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से बेनिफिट देगी इस तरीका की वीडियो आपके लिए और आपकी तैयारी को बूस्टअप करेगी। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि इस चैनल के कंटेंट को लगातार शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कराते रहें और मेरे इस मिशन में सहयोग करें कि जो ये वीडियो है इनका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। गाँव शहरों और कस्बों में वो बच्चे जो गाइडेंस के अभाव में रहते हैं उन तक इन वीडियो का लाभ पहुँचाया जा सके, तो जिससे मेरी जो मेहनत में लगातार कर रहा हूँ इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को पहुँचाया जा सके। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज।